योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन करने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को ही श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन हुआ था। यह सोचने वाली बात है कि कांग्रेस ने काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन का दिन आज ही क्यों चुना। रोजाना तो प्रदर्शन सामान्य कपड़ों में होता था। यह सभी राम भक्त और राम मंदिर निर्माण के लिए आंदोलन में बलिदान देने वालों का अपमान है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान है और कांग्रेस को इसके लिए पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 5 अगस्त यानी अयोध्या दिवस का हर आस्थावान भारतीयों को इंतजार रहता है। उन सबके मन में एक ही भाव था कि भारत की आस्था का सम्मान हो। 5 अगस्त 2020 को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का शुभारंभ हुआ। सुबह से ही अयोध्या में लाखों संख्या में श्रद्धालु आकर अपनी आस्था वहां व्यक्त करते हैं। इस दिवस पर आस्था को अपमानित करने वाले कांग्रेस के नेताओं का आचरण अत्यंत निंदनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।